यार एक चीज मैंने जिंदगी से सीखी है, आप पैसे भले ही 10,000 कम कमा लो, ठीक है, अपने काम को 1-2 घंटा साइड में रख के अपने की अपनी बॉडी के लिए वक्त निकालो, अपने न्यूट्रिशन के लिए वक्त निकालो। यार मैंने अपने हाथों से अपनी मोम को खोया इस चक्कर में। मेरे मोम एक्चुअली क्या था, लैक ऑफ न्यूट्रिशन उनका बहुत था, बचपन में रहा होगा आप कह सकते हो, है ना, एंड रिकवरी हो नहीं पाती थी, बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल वेंस है जो नैरो हो चुकी थी, है ना, और रिकवरी हो नहीं पाती थी। तो मैंने 5-6 साल उनको तड़पते हुए देखा बहुत बुरी तरह से, बट मैंने फिर भी अपना पूरा कोशिश किया और बीच में बहुत अच्छी कंडीशन में भी हो गए थे, बट ओके जो होना होता है वो तो उसको तो कोई नहीं बदल सकता। बट मैं आपको एक सजेशन जरूर देता हूँ कि अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, खुद भी, है ना, न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत बताओ उनको कि बॉडी के अंदर हमने क्या डालना है। तो आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी बॉडी के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, अपने डाइट के लिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर। अपने पेरेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी, सबको थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में बताते रहो या फिर उनको खिलाते रहो अच्छी अच्छी चीज़ें, थोड़ा वर्कआउट करने को बोलो, बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। अभी नहीं पता लगता बट फ्यूचर में पता लगता है। और इंडिया में तो ये है कि अगर आप 50+ क्रॉस करते हो तो उसके बाद आपके बीमारियाँ होना तो नॉर्मल है, है ना। सो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो यार, उनको थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत हेल्दी खाना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा दिन आप वही खाओ, एकदम से कोई भी महाराजा नहीं बनता है ना किसी भी फील्ड का। तो थोड़ा जीरो से थोड़ा स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो आपका कुछ फालतू करने मन ही नहीं करेगा, आपको इतनी अच्छी आदत लग जाएगी और आप हेल्दी खाओगे, वर्कआउट करोगे। एंड जब आप वर्कआउट करते हैं ना, आपके माइंड को एक बूस्ट मिलता है, आप नए नए आइडियाज आते हैं आपके। जैसे कि आप देख रहे हो, एक बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर हमारे साथ है, मिस्टर आर्नोल्ड सुभाष नगर। So, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने इतनी सक्सेस कैसे अचीव की, कुछ बोलेंगे? तो शोल्डर का वर्कआउट करते हुए सुविधा सिंह मनहास आज बहुत ही टाइम बाद प्रॉपर वर्कआउट करते हुए, मील तो अच्छी खासी फॉलो कर रही थी लड़की, लेकिन वर्कआउट काफी दिन से इसका मिस हो रहा था, बट अभी तो जिम भी ओपन होने वाली है, तो आप रेडी हैं? लग नहीं रहा। अब सांस क्यों नहीं ले रहे हो? ले रही हूँ। अच्छा, कहाँ से? So, अभी करके आया हूँ मैं फोटोशूट, इसने मेरी फोटो क्लिक की है और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि बेकार ही आई होगी। नहीं, अच्छी आई है, आई कैन बेट ऑन दैट। ओके, वो तो बाद में बताएंगे सब जो देख रहे हैं वो सब। लोगों को लगता है कि ये भाई, ये तो 50 किलो है, उसने 50 किलो उठा लिया, बढ़िया है। बट उस 50 किलो के साथ आपके साथ आपके कितने रेप्स लग रहे हैं, आपकी फॉर्म क्या है, कितना ब्रेक ले रहे हो आप अपने सेट्स के बीच में, वो भी तो मैटर करता है। हैंड मसल माइंड कनेक्शन। हाँ, नहीं, लोगों को ये लगता है कि ऐसे ये पड़ा है और ये उठा लिया, और बस 5 किलो, बस 5 किलो, सही बात है। मतलब समटाइम्स यू आल्सो पिक अप 5 kgs इन जिम। यस, आई हैव सीन यू। सो मैं तो ज्यादा हैवी नहीं करता हूं, मैं नॉर्मल वेट रखता हूं, बट मेरा मसल माइंड कनेक्शन इतना तगड़ा होता है कि मैं 10 किलो भी अगर ढंग से कर लूं तो मतलब कि मेरा बहुत बढ़िया होता है। मेरे खुद के क्लाइंट्स कहते हैं कि समटाइम्स कि मैम हमसे इतना बाहर नहीं उठेगा, तो मैंने बोला आपको इतना, किसने बोला आपको भोजड़ होना है? सही बात है। Who told you? मॉडरेट वेट, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर रैप्स, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन अच्छा होना चाहिए। सम पीपल आल्सो डू कि मतलब ठीक है आपने उठाया, ठीक है आपने मान लो ये 12 kg का डंबल है, 12 kg का डंबल उठाया आपने, कल लगाए 10 रैप लगाए, उसके बाद आप 2 मिनट बैठे ही रहे। ये कौन साफ करेगा जो गंद डाला है? मैंने डाला। ये ब्लॉग लुक तो ठीक है, लेकिन ये गंद तो मैं ही अकेली साफ करती हूँ लास्ट में। प्लीज मैं सुन दे रहा हूँ, चुन दे रहा हूँ। चल काटते वीडियो नहीं डाल। चल ये तो पक्का डले ही, और कोई डले ना डले। चल, ओहो क्या था वो? कुछ नहीं था, मेरे को नहीं नाचने नहीं आता, मेरे को ना आता। ये क्या हुआ तेरे? मुझे पता, थप्पड़ पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है मुझे।
ब्लॉग के नाम पे जो मेरे चांटे पड़ रहे हैं ना दो तीन दिनों से, बता दूंगी मैं सबको कि कितना अत्याचारी हूं मैं। है? बोल, अत्याचारी मैं नहीं, अत्याचारी तू है, ठीक है। सो इट्स 5:30 एंड सुविधा तो सो रही है अभी, एंड मुझे अभी वर्कआउट करने जाना है। सो चलते हैं, पहले वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली आज मैं रात को भी 1:30 बजे सोया था, तो इतनी एनर्जी नहीं है, बट अभी क्या करते हैं कि अब प्री वर्कआउट एक स्कूप लेना पड़ेगा उसके लिए, है ना। वैसे तो मैं इग्नोर करता हूँ कि प्री वर्कआउट ज़्यादा ना लूँ, बट आज एक स्कूप पूरा लेते हैं प्री वर्कआउट का, एंड फिर करते हैं वर्कआउट शुरू। वर्कआउट कंप्लीट, बैक बाइसेप किया था, बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ है, एंड पोस्ट वर्कआउट मील भी मैं ले चुका हूँ, एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ क्योंकि मैं 2-3 घंटे ही सोया था रात को, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। एंड आज के व्लॉग के लिए इतना ही है, नेक्स्ट व्लॉग में सुबह और मैं आपको कुछ नया कॉन्टेंट, कुछ और अच्छा और कुछ फनी कुछ आपको देखने मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।